मछली का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और ये हाफ बनाई गई है क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है और जो एग्जिट पॉइंट है बाकी हाफ वहाँ पे बनाई गई है। जैसे आप एक्वेरियम से एग्जिट करते हो तो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे लोकल मार्केट। भैया लिया हमने प्रसाद, पार्क है, बड़ी सुंदर सी शिव की प्रतिमा है। कुछ ये लिखा हुआ है एक्वेरियम कम अवेयरनेस सेंटर बाव फोर्ट जम्मू, और ये भाई गवर्नमेंट ऑफ J&K। और अभी लेते हैं यहाँ से टिकट, जो टिकट प्राइस है वो है भाई 30 रुपीज एडल्ट के लिए, और चाइल्ड के लिए जो 3 to 12 ईयर उसके लिए 10 है, बिलो 3 नो टिकट। और ये टिकट आ गई है, अभी जा रहे हैं अंदर। एंट्री करते हो यहाँ से, एंट्री करने के बाद आपको साथ में फोर्ट की वॉल देखने को मिलेंगी, और साथ में ही आपको यहाँ से एंट्री है। और जो एक्वेरियम है मछली आपको खा जाएगी, तो अभी देखते हैं भाई मछली इनको कैसे खाती है। भाई यहाँ पे 2 मछली हैं, एक की कलाकृति वो बनी हुई है और दूसरी की ये हाफ बनी हुई है जो बड़ी सुंदर देखने में लगती है। चलो वाटर, ये सर्दियों में भी ठंडा पानी मिलेगा या गर्म? बिल्कुल चिल्ड पानी है, चिल्ड। चलो पियो फिर। भाई आप देख सकते हो जो इसका इनॉग्रेशन किया गया था वो 14 जुलाई 2007 को किया गया था, और यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फीचर में एंट्री फिश मोच से जो आप देख सकते हो, मल्टीमीडिया हॉल है, उसके बाद लेबोरेटरी है, ग्लास एक्वेरिया है, एक्वा केव्स है, एक्वेटिक म्यूजियम है, और जो एग्जिट होगा मछली का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, और ये हाफ बनाई गई है क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, और जो एग्जिट पॉइंट है बाकी हाफ वहाँ पे बनाई गई है वो आप देख सकते हो। मतलब कितना सुंदर सा आइडिया है यार, मतलब कि आप माउथ से एंट्री लो, हाँ क्या भाई माउथ से एंट्री लो और आप टेल से एग्जिट करो, तो कुछ क्रिएटिव सा कर रखा है यहाँ पे जो देखने में सुंदर सा लगता है। तो अभी चलते हैं भाई एक्वेरियम में जो फिश है उसके अंदर, और कुछ ऐसा है भाई एंट्री पॉइंट यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो फ्लावर्स, ये सब भाई वो प्लास्टिक वाले डेकोरेशन वाले हैं। तो भाई एंट्री पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या है, अभी चलते अंदर। भाई जैसे आपकी एंट्री होती है तो आपको ये मिलता है मल्टीमीडिया हॉल, जहाँ पे आपको कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया इस वो देखने को मिलेंगे, उनके फ़ोटो ये देख सकते हो भाई आप। ये है 1632 से 1723, और भाई बहुत पुराने पुराने फ़ोटोज और साथ में इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको टिकट चेक करवानी होती है दोबारा। ये लेबोरेटरी है जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है नो एंट्री के साथ। और ये यहाँ पे कुछ फोटोज देखने को मिल जाएंगे आपको अलग अलग तरह के, और जो विजिटिंग आवर्स है वो आप देख सकते हो 9 AM to 9 PM। और ये मछलियाँ देखो भाई हल्की हल्की सी, जैसे नीचे से देखते हो तो जो शार्प होते हैं वैसे सेम है इनके फेस की। भाई ये देख सकते हो आप जो इसका मॉडल है, ये वो रिवर है तावी रिवर, यहाँ पे जम्मू सिटी है, ये गार्डन है जिस गार्डन में हम घूम रहे थे, और ये यहाँ पे ये एक्वेरियम वाला सेक्शन है और वो फोर्ट है पूरा। यहाँ से स्टार्ट होता दूसरा सेक्शन जहाँ पे जो एक्वेरियम साइज है वो बड़ा हो जाता है, और ये देखो मछलियाँ कितनी शांत है, और एक ये नीचे, और यहाँ पे फिर से आपको कुछ फोटोज देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह के फिशेज के प्रजनन से लेके
यहाँ पे जो जो ब्लिस्टर वगैरह आए हैं उस टाइप के। ऑरेंज कलर की बड़ी प्यारी सी मछली है, जैसा मूवीज में देखने को मिलता है बिल्कुल वैसी ही है। जैसे आप एंट्री करते हो नीचे एक्वेरियम है और ऊपर उसके बारे में डिटेल दे रखी है, येलो पैरेट, तो हर फिश के ऊपर लिखा गया है। ये देखो आप, रेड टेल शार्क, और एक है भाई सक्कर माउथ कैटफिश। तो हो सकता है ये ब्लैक वाली, जो ब्लैक वाली है वो सक्कर माउथ कैटफिश, और जो ये देख रहे हो व्हाइट वाली, ये हो सकती है भाई रेड टेल शार्क फिश। ये अगर आपने वो मूवी देखी है पिराना, तो ये वो वाली फिश है। हालांकि मूवी में वो छोटी छोटी सी दिखती है, लेकिन ये देखो ये तो बहुत बड़ी है, आराम से होगी 1.5 से 1 फीट के बाद। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट लिखा हुआ डाइट हाईली कार्निवोरियस, बहुत जोज कंटेंस वेरी सार्थित। और भाई ये शिकारी मछलियाँ हैं, लेकिन मूवी में बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई गई थी ये। भाई यहाँ पे कुछ कॉल लाइन सेल्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो, या फिर जिसको हम बोलते हैं शंख, बड़ी अनोखे अनोखे सी कला करती है यार। और ये यहाँ पे डिस्प्ले गैलरी में दिखाया गया है भाई, फिशिंग रोड है, फिशिंग स्पूल्स है, अलग अलग तरह के फिशिंग बिट्स है, ये आप देख सकते हो, एयर नाइट से लेके डाइनिंग फिश ये पाइप है पे केव है, जो सिर्फ नाम की केव है। यहाँ पे म्यूजियम भाई, म्यूजियम में ये फिश रखी हुई है फ्रिज होकर के, आप देख सकते हो बहुत ही तरह की, छोटी से बड़ी टाइप से। हम पहुंच गए एग्जिट पॉइंट पे, और अभी हम कर रहे हैं फिश की टेल से एग्जिट। वही आप देख सकते हो तावी रिवर, और ये जम्मू सिटी, और जो आज की जर्नी है वो हमने स्टार्ट की थी वहाँ से, और हम आ गए यहाँ पे। और भाई अगर मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस तो मुझे कैसा लगा यहाँ जाके, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस जो टिकट है कॉस्ट ऑफ टिकट उस हिसाब से ठीक ठाक है, 30 रुपीज़ में, इससे ज़्यादा क्या दिखाएंगे आपको। और इससे पहले जो मेरा एक्वेरियम का बेस्ट एक्सपीरियंस है वो है भाई त्रिशूर में चौकड़, चौकड़े पास में एक जगह है ढकल्लूर, वहाँ पे एक्वेरियम है मरीना वर्ल्ड के नाम से, जो बहुत ही बेहतरीन है बिल्कुल बीच के किनारे पे। हालांकि उसकी जो कॉस्ट है टिकट की वो थी 350 रुपीज़, तो भाई वो बहुत ही बेहतरीन थी। और भाई यहाँ पे है काली माता मंदिर, जैसे आप एक्वेरियम से एग्जिट करोगे तो आप आओ चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे अखरोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मंदिर के पास नॉर्मली टूरिस्ट प्लेस में मिलती है। ऐसे ही कुछ टॉयज की दुकान है बच्चों को लुभाने के लिए। भाई ये लिया हमने प्रसाद आंटी जी के पास से, और यहीं पे उतार रहे हैं सूज, क्योंकि आप मंदिर में सूज पहन के नहीं जा सकते हो। और ये भाई अलग अलग चुंदरी है, अगर आप चढ़ाना चाहो तो आप चढ़ा सकते हो। और ये जो प्रसाद है, प्रसाद में आपको मिलेगी भाई ये जो चावल वाली खील है, ये मखाना और आधा नारियल, साथ ही ऊपर ये चुंदरी। हमने आपको दिखा था बाहू फोर्ट, वो फेमस है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक काली माता का मंदिर है, तो उसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेलकम टू बाहू फोर्ट। और ये देखो भाई, ये प्रिजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है 1920 से 2010 के अंदर। और अभी ये भाई एक ब्रीफ हिस्ट्री है, आप इसको पढ़ना चाहो तो वीडियो को फ्यूज करके पढ़ सकते हो। आगे इससे आगे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे जमा करवाना है। ये आ गया छोला भटूरा, और ये है पूरी छोला छोला भटूरा, पूरी है, पता नहीं क्या है, पूरी लग रहा है ना। अभी टेस्ट करते हैं, अगर अच्छा लगा तो एक और ऑर्डर करेंगे। भाई ये यहाँ पे जब आप जम्मू के रोड पे घूमोगे तो आपको ये सेकंड हैंड कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी, इनका प्राइस वेरी करता भाई। जैसे ये लोअर है, ये 200 रुपये की है, और यहाँ पे ऐसे जैकेट्स भी मिल जाएंगे आपको, वार्मर भी मिल जाएंगे। हम ऐसे ही घूम रहे थे, लोकल मार्केट ढूंढ रहे थे घूमने के लिए, जैसे ये वाली है ठीक है। और ये भैया ये कितने की है ये वाली,
ये देखो भाई, ये आप देख सकते हो लिखा हुआ द नॉर्थ फेस, और ये 300 रुपये की आपको मिल जाएगी सेकेंड हैंड। और अगर आप इसको दोबारा रीसेल करना चाहो तो आप यहीं पे रीसेल कर सकते हो हाफ प्राइस में। भाई अभी हम आ गए हैं जो तावी नदी थी उसके ब्रिज पे, और वे आपको दिखाते हैं भाई जहाँ से हमने पहले इस ब्रिज का जो वीडियो था वो शूट किया था। अभी भाई ये देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक लग रहा है वो वाला किला, लेकिन ये बहुत दूर है, और आप जब पैदल आओगे तो पता चलेगा कितना शहर कवर करके आना पड़ता है। और ये हमारी श्रीमती जी आराम से ब्रिज का आनंद लेते हुए, देखो यहाँ पे कितने सारे चील कौवे कैसे उड़ रहे हैं। भाई मंदिर से आने के बाद हमने सोचा क्यों ना आज जम्मू को पैदल एक्सप्लोर किया जाए, तो हम निकल पड़े पैदल। तो अभी दिखाते हैं हम थे भाई वहाँ पे, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इस साइड वाला वहाँ पे, और वहाँ से हमने लिया भाई एक बहुत ही बड़ा यूटर्न अराउंड 4 से 5 किलोमीटर का, क्योंकि हमें कल जाना वैष्णो देवी, तो इसके लिए वहाँ पे चढ़ाई होगी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक दिन ऐसे ही माउंटेन्स पे घुमा जाए जिससे आदत हो जाएगी और कल हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आज हम आए यहाँ पे पीरखो, यहाँ पे एक पेरखो नाम से यहाँ पे एक केव है वो देखने के लिए, तो पेरखो अखाड़ा नीचे और जो जमवंत गुफा, और यहीं पे पीरखो एक केव है वो देखने के लिए। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, ये भैया बता रहे हैं ये जो रास्ता ये गली से, ये आप पढ़ सकते हो कि गुफा क्यों फेमस है 1454 से 95 के बारे में। एक बहुत ही फेमस जोगी गुरु गरीबनाथ आए थे यहाँ पे भाई, और जो यहाँ पे टेंपल है टेंपल में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। और भाई यहाँ पे जो आप वो सामने नदी देख रहे हो ये रोप वे है, आप रोप वे का एंजॉय लेना चाहो तो रोप वे ले सकते हो नदी के ऊपर ऊपर। और यहाँ पे मिली हरिद्वार बोला जाता है, हर की पैड़ी जैसे यमुना के किनारे हरिद्वार पे है, तो अगर आप नहाना चाहते हो तो वो भी आनंद ले सकते हो। भाई आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो जामवंत है, ये जामवंत गुफा के नाम से भी फेमस है। जो जामवंत, आपने अगर रामायण देखी है तो उसमें आपने एक भालू देखा होगा, तो वो उनका नाम जामवंत था। तो ऐसा बिलीफ है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यही इसी गुफा में बैठ कर अपना मेडिटेशन किया था। ये देखो गाइस कितना प्यारा नज़ारा है, हम लोग मंदिर में थे अभी, ये यहाँ पे शिव मंदिर है और वो केव है, तो वो देखने के बाद अभी हम बाहर आए क्योंकि अंदर वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने अभी इधर कैमरा ऑन किया है। और ये देखो सामने का कितना सुंदर नज़ारा है, थोड़ा पास में जाएंगे तब दिखाएंगे। बाकी आज मन इतना शांत और खुश हो गया ना इतने दिनों के बाद, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ऐसे मंदिर में एक साथ दर्शन करने आए हैं मैं और मलिक जी, और एक साथ वो भी इतने सारे भगवान जी के दर्शन हो गए, तो बहुत खुश है मन अंदर से बहुत ज़्यादा। भाई अभी हम आए थे यहाँ पे फिर कोट टेम्पल है वहाँ पे, और भाई यहाँ पे आने के बाद बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे एक केव है, टेम्पल कम और वो केव ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें पूरा आपको अंदर तक जाना है। होठ फट गए यार मेरे, इतनी ठंड हो रखी है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको जो हाइट है केव की वो अराउंड 3 से 4 फीट है, और कहीं पे 5 फीट है, वो वेरिएशन है भाई। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे वहाँ पे आपको जामवंत का स्टैचू मिलेगा, मतलब जो स्कल्पचर है वो मिलेगा, उसके बाद लॉर्ड शिवा है वहाँ पे और बजरंग बली जी है, फिर उसके अंदर नीचे आप जाओगे तो जो माता है वैष्णो माता शेरावाली माता, उनके आपको 9 के 9 रूप देखने को मिलेंगे। उसके बाद वो और ज़्यादा ऊपर आके फिर अंदर जाओगे तो वह उसी केव में आपको भगवान शिव का चांदी का पूरा वो मिलेगा शिवलिंग, उसके ऊपर मुझे प्रॉपर पता नहीं है तो भाई उसके लिए सॉरी, क्या बोलते हैं उसके ऊपर जो छत्र बोलते हैं वो, और नीचे जो नाग देवता वो आपको देखने को मिलेंगे। और अभी हम आ गए टेम्पल के बाहर, और अभी आपको दिखाते हैं मिनी हरिद्वार और साथ में रोप वे। और भाई मंदिर के बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, ये आप रोप वे देख सकते हो, ये रोप वे यहाँ से जाते हैं सेंटर से, और यहाँ से जाके ये आपको नदी पार लेके जाएंगे और जो आपको टेंपल दिख रहा है उस टेंपल तक। और ये सामने पार्क है, बड़ी सुंदर सी शिव की प्रतिमा है भगवान शिव की,
और यहाँ पे जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो इसको हर की पौड़ी बोला जाता है और इसको मिनी द्वार भी बोला जाता है। और भाई जैसे आप मंदिर से नीचे आते हो तो आप ये देख सकते हो भाई लॉर्ड शिवा का स्टैचू है जो बड़ा ही प्यारा है। और अगर आपको करना है रोप वे तो आप यहाँ से जा सकते हो भाई, ये वाले ऑफिस में, यहाँ से आपको रोप वे की टिकट मिल जाएगी और आप रोप वे का आनंद ले सकते हो। हम रोप वे पर नहीं जा रहे हैं, उसके दो या तीन रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन सिंपल सा रीजन ये है कि हमें एज सून एज पॉसिबल रेलवे स्टेशन जाना है क्योंकि हमारी ट्रेन है और उसके बाद निकलना हमें कटड़ा के लिए। ये देखो भाई कितना प्यारा स्टैचू है। और जो नंदी गाय हैं उनके मुंह में, मतलब जो उनका स्टैचू है उनके अंदर फाउंटेन लगा रखा है। लड्डू कैसा लगा? और भाई अगर मेरी मानो तो भाई आप वहाँ एक्वेरियम में जाओ, तो उससे अच्छा है बाउफोर्ट एक्वेरियम से अच्छा है कि आप यहाँ आए और यहाँ आके इस पैरखो के मंदिर का आनंद उठाएं और साथ में यहाँ पे मिनी हरिद्वार और रोप वे का आनंद ले सकते हो। और जो सामने वो फोर्ट देख रहे हो वही है वो फोर्ट जिसमें माता का मंदिर है, साथ में एक्वेरियम है और नीचे पार्क है। और भाई अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो बड़ी अचंभित ही लगी मुझे देखने में। जैसे आप यहाँ पे आते हो रोप वे के पास में और आप देखते हो ऊपर की तरफ, तो आपको बड़ी सुंदर सी कलाकृति देखने को मिलेगी जो है भाई ऊपर जाने का रास्ता। ये रहा ऐसे जिग जैग टिक 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 टिक, बड़ा सुंदर लग रहा है ये। हो सकता है मोबाइल में इतना सुंदर कैप्चर ना हो रहा हो क्योंकि ऊपर है वॉशरूम, हमें जाना वहाँ पे। यहाँ पे आज यहाँ पे क्या है कुछ नया ट्राई अमित ने किया है, यहाँ पे कश्मीरी नूनी चाय नून चाय उसमें मीठे की बजाय नमक डाला जाता है, भैया ने टेस्ट करने को दी थी। अच्छी लगी? अच्छी थी भैया, आपने वो चाय बना दी? एक चाय बना दो, एक। और भाई ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आप देख सकते हो, और हम यहीं से गए थे, अभी जाने लग रहे हैं हम वापस। और भाई अभी करते हैं जम्मू के वो लोग कैंड और अभी हम आ गए रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्योंकि हमें जाना है कटड़ा। अभी हम कर रहे हैं ट्रेन का वेट, कहाँ जाएगा क्या करेगा वहाँ तो भाई हम जाने वाले माता वैष्णो देवी पे, तो बने रही हमारे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद वंदे मातरम और अपना ही चैनल भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन के पास और अभी उतरने का टाइम हो गया है। भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है? ठीक, और भाई मिलते हैं आपसे उतरने के बाद। ये गाइस जब आप लोग यहाँ पे कटरा रेलवे स्टेशन है उस पर पहुँचोगे तो पहले जो श्री माता वैष्णो देवी की जो आपको वो कहते हैं चढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, उससे पहले आपको ये पर्ची लेनी होगी। अगर आपने ये पर्ची नहीं ली यहाँ से तो आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। भाई वो जो आई कार्ड की तरह मिलता है वो गले में लगता है, वो कंपलसरी है। हाँ। और इसके कुछ रूल्स है जो वहाँ लिखे हुए हैं कि आपकी फैमिली जितने मेम्बर हर किसी को लाइन में आना पड़ेगा और जो टिकट है वो लेने के बाद 6 घंटे अंदर बार्डिंग का चेक पोस्ट है वहाँ पर आपकी चेकिंग होनी ज़रूरी है, जो आपका वाई काली तरह पर्ची मिलेगी वो। और इस टाइम पे यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो चारों तरफ, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मॉर्निंग 5 o'clock से लेके इवनिंग 10 o'clock तक। और अपने दिखाओ किसको कैसा कैसा आई कार्ड मिला है, क्या लिखा हुआ इस पे? इस पे लिखा हुआ भाई श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो तो मैं दिखाता हूँ आपको सामने माता वैष्णो देवी का जो पहाड़ के ऊपर जो चढ़ाई होती है वो जिग जैग बना हुआ दिखाई देता है, ये आप देख सकते हो।